हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फोर एंड फाइव क्लास, आज नाम बताता हूं कुछ बच्चों को। इस्माइल, वाजिद, क्रिस, सुमित सिंह, और तो नाम याद नहीं आ रहा। बहुत कम आपके कमेंट्स आते हैं। सब लोग किया करिए। ओके, चलते हैं आपका पहला क्वेश्चन में। ए रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका साइज है 34 सेंटीमीटर 24 फ्रॉम इट 64 सर्कुलर buttons. Each of diameter, is buttons ka diameter 3.5 centimeter hai, have been cut out, find the area of the remaining sheet. Kehne ka matlab, itna bada gol gol, isme se 64 circle हम काट करके निकालते हैं। कितने? 64, जिसका डायमीटर 17.5 है। तो कटने के बाद में जो एरिया बचेगा सीट पे वो क्या होगा? पहले तो सीट का भाई एरिया निकाल देते हैं। एलिमिनेट भी होता है 34 मल्टीप्लाई 24 टाइम कर देते हैं 816 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अब सर्कल, तो सर्कल का रेडियस निकालने के लिए डी बटा टू होता है। 3.5 में 2 से भागा दे देते हैं। 3.5 में डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बच्चों तो आएगा 1.75 सेंटीमीटर। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्कल लिखते हैं। सर्कल एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। 22 बटा 7 गुने 1.75 गुने 1.75 करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 67.375 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड भी कर देते हैं 9.625 सेंटीमीटर। पर ऐसा 64 को सर्कल, तो 64 को निकालेंगे, इसलिए एरिया ऑफ 64 सर्कल मल्टीप्लाई कर देंगे 9.625। 616 है, कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग एरिया कह रहा था, रिमेनिंग एरिया बताइए। इसलिए रिमेनिंग एरिया बराबर 816 था, 616 को बढ़ा देंगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, है ना। ए स्टील वायर वेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इंक्लूड एन एरिया ऑफ 1 टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया। एक लोहे के तार को स्क्वायर में बनाया गया और उसका एरिया स्क्वायर का था 1:1 सेंटीमीटर। उसी तार को रीबेंड दोबारा मोड़ा गया सर्कल, जब सर्कल में मोड़ा गया तो सर्कल का एरिया क्या होगा? ये आप ये ना समझे कि जितना स्क्वायर का था उतना ही एरिया हो। हम निकाल के देखेंगे। जैसे हमने एक स्क्वायर कर और इसका एरिया 1:1 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम साइड निकालेंगे। स्क्वायर का साइड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एरिया। रूट अंडर करेंगे 11 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। 4 गुने साइड होता है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 गुने 11 44 सेंटीमीटर आ गया। बच्चों
यही हुआ तार का लंबाई। ये जो वायर है इसका लेंथ है 44 सेंटीमीटर, राइट। अब इसी तार को हमने सर्कल में बना दिया। जब सर्कल में बनाया तो इसका सर्कमफेरेंस वही होगा जो इसका पेरिमीटर है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस हो गया, तो अब एरिया निकालेंगे, रेडियस चाहिए, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2π r। सर्कमफेरेंस के नीचे सर्कमफेरेंस 22/7 मल्टीप्लाई आर, क्या हो जाएगा 44r/7 क्रॉस मल्टीप्लाई 44 × 7 44 × 7 = 44 काट दिया r इसका 2 सेवन। जब r हमें निकल गया तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 × 7 × 7 काट दिए, 7 × 7 = 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पूल इन ए पार्क विद स्ट्रिंग 21 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ओवर दिस द हॉर्स कैन ब्रिज, ठीक है। कहने का मतलब ये घोड़े को एक खंभे पे पार्क के अंदर बांध दिया गया और उसके रोप यानी रस्सी की लंबाई 21 मीटर है, तो कितने एरिया के घास को वो खा जाएगा। पहले एक ग्राउंड मान लो कि इस जगह पे बीच में या कहीं भी इस जगह पे हमने एक खंभा है और इसका 21 मीटर लंबा रस्सी है, घोड़ा यहां तक आ गया, अब ये कैसे घूमेगा बच्चों? ऐसे घूमेगा। तो 21 क्या हो गया रेडियस, तो कितना घास खाएगा? तो हम एरिया निकालेंगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर 22/7 × 21 × 21 तीन बार में करेगा 22 × 21 को गुणा करेंगे 86 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कितना सिंपल है। फाइव देखते हैं बच्चों, द एरिया ऑफ सर्कुलर टीन प्लेट, एक सर्कुलर का एरिया दिया हुआ है, फाइंड द सर्कमफेरेंस। तो पहले सर्कमफेरेंस निकालने के पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर 38.5 22/7 आर स्क्वायर 38.5 बराबर 22r² / 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 38.5 × 7 करेंगे तो r स्क्वायर बराबर ये डिवाइड में 38.5 को डिवाइड में करते हैं 38.5 डिवाइडेड बाय 22 आएगा 1.75 ना आएगा 1.75। अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं 12.25 आर हटाएंगे स्क्वायर तो ये पॉइंट आ गया। ओके तो आर बराबर आएगा 3.5 मीटर, इसलिए सर्कमफेरेंस बराबर 2π आर 2×22/7 × 7 = 35.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 22 से करोगे तो 11 आएगा, 11 को 2 से करोगे 22 सेंटीमीटर इंच, सेंटीमीटर में मीटर में मीटर।